तुम लोगों को मजीद कोई बात करनी है तो वकार के लीगल एडवाइजर से कर सकते हो। लेकिन वकार जो जिम्मेदारी मुझे देकर गए हैं, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगी। डैड अपनी बेगम को अथॉरिटी लेटर देंगे। अब हमारी लेदर फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन कंपनी नरगिस मैडम चलाएंगी और हम दोनों भाई एम्प्लॉइज। न मेरा बन सका है तू न मैं तेरा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। गफार साहब, क्या हाल चाल? आपने बड़ी इमरजेंसी में कॉल की, आइए। जी बस, असल में मुझे कुछ अहम बातें आपसे डिस्कस करनी थी। जी जी, बताइए। जुहैब साहब और असद साहब आए थे मेरे पास ऑफिस। वो वकार साहब के इस फैसले को चैलेंज करने का सोच रहे हैं और अगर वो कोर्ट चले गए तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। सो सॉरी, मुझे इतना हाइपर नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम उस यासर को जानती हो ना, वो कितना घटिया और कमीना किस्म का इंसान है। छोटे से नुकसान का इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देता है, और ये तो फिर ना वो मुझे बख्शेगा तो नहीं ना। हाँ तो सरमद, मैंने तुम्हें थोड़ी कहा था कि तुम किसी से गाड़ी बोरो करो। आई मीन, मैंने तुमसे शादी की है अपना क्लास और स्टेटस को पीछे छोड़ के। तुमने टू बी ऑनेस्ट मुझे ना ये गाड़ी उससे लेके बोरो करके मुझे ह्यूमिलेट किया और कुछ नहीं। संजय, मैं तुमसे माफी मांग दो रहा हूँ। मैं तो ना, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि जब तुम मेरे साथ पहला कदम उठाओ तो तुम्हें किसी किस्म का पछतावा ना हो। तुम्हारी कोशिश ना बिल्कुल नाकामयाब हो गई है। पछतावा तो मुझे हो रहा है। आई मीन, तुम जिस तरह लड़ाई के दौरान तुमने उसका गला पकड़ लिया, तुम उसको मार रहे थे, दिस वॉज नॉट यू। जिस सरमद को मैं जानती हूँ, वो एक कंपोज और डिसेंट इंसान है। तुम नहीं हो वो। यू नो, आई एम रियली सॉरी। तुम जानती हो मुझे इतना गुस्सा नहीं आता है, लेकिन मुझे सिर्फ गुस्सा इस बात पर आया है कि मेरी गाड़ी नहीं थी, एक मेरे दोस्त की गाड़ी है। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, बार बार फिर से मांग लेता हूँ। आई एम रियली सॉरी, आइंदा नहीं होगा। प्लीज आज की बात ऐसा ना करना, मुझे डर लगता है। वकार साहब ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। जब उनके दो जवान बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों देंगे? एग्जैक्टली। और डैड हमें बिना इन्फॉर्म किए इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? आप किसी मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। बिल्कुल। और आप क्या समझती हैं कि आप घर की तरह ऑफिस में भी अपना हक जमा लेंगी? सुहेब, ठीक कह रहा है जोर। ये कोई आपके घर का किचन नहीं है जहां पर आपने कुकिंग की रेसिपी बताई।
ऑफिस है हमारा ही। जुहैर साहब और असद साहब आए थे मेरे पास ऑफिस, वो बखार साहब के इस फैसले को चैलेंज करने का सोच रहे, और अगर वो कोर्ट चले गए तो फिर बखार, अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि आप मुझे इस तरह कांटों भरी कुर्सी पर बिठाकर चले जाएंगे तो मैं आपको रोक लेती, मैं आपकी इज्जत का तमाशा नहीं बनने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा कि वो दोनों आपके आने तक इंतजार करें, कोई ऐसा कदम ना उठाए। क्या करूं मैं? अम्मी वो सरमद और उसकी बीवी आ गए। नहीं अम्मी अभी तक तो नहीं आए। कुछ बता के गए थे कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे? अम्मी वो लोग आम दिनों में कुछ बता कर जाते नहीं, आज कौन सा कोई अलग दिन है। वो बाहर कोई आया था, बेल बजी थी अभी। अब्बू आए हैं, आपको बुला रहे हैं। मैं भी कितनी पागल हूँ, यही तो बताने आपको मैं आई थी। आज जल्दी आ गए, ठीक तो हैं? मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आप एक काम करें, आप खुद ही जाके पूछ लें, ये मैं कर लूँ। हाँ ठीक है, तुम ये करो, मैं देखती हूँ जाके। असद, मैं तुम्हें कमरे में देख रही थी, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो और किस बात का इतना स्ट्रेस ले रहे हो? अगर तुम इसी तरह से स्ट्रेस लोगे तो कैसे चलेगा? देखो लड़के सांची ने घर के मामलात के बाद ऑफिस के सारे मामलात भी संभाल लिए हैं, तुम अगर इसी तरह से हाथ पर हाथ रख के खड़े रहोगे तो क्या होगा? स्ट्रेस लेने से थोड़ी ना मसलों का हल निकलता है, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। और आशर कब से कॉल्स कर रहा है, उसको तुमसे वो ज़रूरी बात करनी थी, तुम्हारी बात हुई उससे? हाँ मैम, आशर की तरफ ही जा रहा हूँ, वहाँ पर इफ्तिखार साहब भी होंगे, थोड़ा लेट हो जाऊँगा आज। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? इतने दिन से मामा से नहीं मिली, उनसे भी मिलूँगी। वैसे कहोगे तुमने अपनी मम्मी को पूरी रिपोर्टिंग करनी इस घर की, मिलना तो सिर्फ बहाना है। ठीक है ऐसे ही समझो, अब मैं चलूँ तुम्हारे साथ? मैं लेट हो जाऊंगा, फिर जल्दी तैयार हो जाऊँ, 5 मिनट दो ना, मैं उसको तैयार कर लूँ। ठीक है ओके। असद हाँ, अगर तुम इस तरह से नरगिस आंटी को जवाब दिए बगैर जाओगे तो कहीं उन्हें ऐसा नहीं लगे कि तुम उनका सामना नहीं कर पा रहे? अली से ऐसी बात नहीं, एक दफ़ा आशिर और इफ्तिखार साहब से मुलाकात हो जाए तो सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, फिर देख लूँगा नरगिस आंटी को। वैसे भी तब तक बाबा से भी कांटेक्ट हो जाएगा। क्यों? जाकर तैयार हो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके। प्लीज डैड फोन उठा
नहीं उठा रहे यार, क्या मुसीबत है। अस्सलाम वालेकुम डैड, क्या हाल है? देखिए डैड, वो आपसे मुझे बात करनी थी। ये जो कुछ भी हुआ है आपने ठीक नहीं किया। देखिए, आपके फैसले की वजह से जो आप करके गए हैं ना, हम घर पे बहुत परेशान हो गए। और जिस तरह आपने नरगिस आंटी के हवाले सब कुछ कर दिया, मतलब आपने हमारे बारे में सोचा भी नहीं। हम अपनी नज़रों में छोटे पड़ गए हैं। डैड, आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके इस फैसले की वजह से बिजनेस की क्या वैल्यू रह जाएगी मार्केट में। लोग हमारे बारे में बातें बनाएंगे, आपको अंदाज़ा भी है कि आपने। डैड, जस्ट प्लीज़ मेरा मैसेज सुनने के बाद जस्ट कॉल मी बैक, ठीक है? प्लीज। तुहे परेशान तो ना हो। मैं यूं ही उस औरत के खिलाफ नहीं था महरीन। अरे यार, तुम देखती आज ऑफिस में सारे स्टाफ के सामने उन्होंने जिस तरह हमसे बात की है ना, डूब बनने का मुकाम था हमारे लिए। और आपने बर्दाश्त कर लिया? वकार अंकल ने उन्हें बिजनेस करने के लिए ऑफिस भेजा था, आप लोगों की इंसल्ट करने के लिए नहीं। इन्हें तो भी जरा मैं देखती हूँ, इन्हें मसला क्या है। बहरीन, नरगिस आंटी, मुझे बात करनी है आपसे। आपने कैसे सबके सामने जुहेब और असद भाई की इंसल्ट कर दी? अगर अंकल आपको उस कुर्सी पर बिठा दें, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब आपके गुलाम हो जाएं, आप हमें बातें सुनाना शुरू कर देंगी। मैंने किसी की कोई इंसल्ट नहीं की और मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। और जिस तरह आपने सबके सामने हमें ऑफिस से निकाला, क्या वो हमारी इज्जत अफजाई थी? और तुमने जो मुझे सबके सामने निकल जाने का कहा, मैं उस सीट पर बैठने का हक भी नहीं रखती जो मेरा शौहर मेरे लिए छोड़ के गया। वाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने तो आपका कितना साथ दिया था, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था हमारे साथ। मुझे लगता है कि आप अपनी असल जगह भूल गई हैं। सुनो मेरीन, मुझे अपनी जगह बहुत अच्छी तरह से पता है और मैं सिर्फ अपनी वो जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही हूँ जो मेरे शौहर मुझे देकर गए। खैर, आप इस खुशफहमी में ना दें, क्योंकि दो तीन दिन से ज्यादा आप इस ऑफिस की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। हम कोई बेबस और लाचार नहीं है, और अगर डैड ने हमें मान नहीं दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों का भरम रखने के चक्कर में खुद को हलकान करेंगे। अब हमारे लिए वो ही जायज है जो हम अपने फायदे के लिए करेंगे। चलो महनी, तुम्हारी सौतेली माँ वैसे इतनी बुरी भी नहीं है जितना तुम बताती थी, बल्कि वो तुम्हारे भाइयों से तो बहुत ही बेहतर लगी मुझे। प्लीज, मुझे इस टाइम ऐसी कोई बात नहीं करनी है। और तुम जो अपनी स्टेप मॉम को ऐसा पोर्ट्रे करते थे कि वो इतनी बुरी है, शी इज नॉट यार, कितनी अच्छी है वो। पर से डैड भी गए और मुझसे बगैर मिले गए। बड़ा अजीब खेल खेल रही है तुम्हारी माँ, तुम्हारी फतेहली माँ। सब कुछ अपने हाथ में कर लिया, वो ही होगा जो वो चाहेंगी, ऑफिस में भी और घर में भी। अच्छा, तुम प्लीज ये अपने बाल बाल सब फिक्स करके जाना, घर में किसी को कुछ पता ना चलो। हाँ, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, बल्कि तुम अपना ख्याल किया करो, परेशान लग रही हो, थोड़ा सा मुस्कुराए थे। तो उस गाड़ी का क्या करोगे, मतलब
कैसे सही होगी? मुझे तो ये टेंशन हो रही है। उसका तो कुछ कर लूंगा, वो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तो खुश रहकर। कुबरा, मैं मुसलसल तुम्हें 2-3 से कॉल कर रहा हूँ और तुम वो के मुझे जवाब ही नहीं दे रही। पूछ सकता हूँ क्यों? वो बस अब मैं क्या करूँ। नाराज तो मुझे तुमसे होना चाहिए था। इतनी बड़ी बात तुमने मुझे छुपाई। जानती हो अम्मी को कितना दुख हुआ होगा तुम्हारी वजह से। असल में शर्जील, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मैं आपको ये बात किस तरह बताऊँ, और ट्रस्ट मी, मुझे आपसे छुपाने का कोई फायदा नहीं था। यार जो भी बात थी तो मुझसे शेयर तो करती। मैं करता अपने घर में बात। अब हम एक फैमिली हैं। तुम खुद सोचो, अम्मी को ये बात बाहर से पता चली होगी तो कितना दुख हुआ होगा। हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि मैं आपको या आपकी अम्मी को हर्ट करूँ। लेकिन मुझे ये नहीं समझ लग रही थी कि मैं किस तरह से आपको ये बात बताऊँ और आप लोग किस तरह रिएक्ट करेंगे। मुझे सच पूछे ना तो बहुत डर लग रहा था। इसमें डरने की क्या बात है कुबरा, अब हम एक रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं। हमें 1-2 साल नहीं, पूरी जिंदगी साथ गुजारनी होगी। अगर तुम मुझसे बात करने में इतनी झिझक महसूस करोगी तो हम कैसे एक दूसरे को समझ पाएंगे। आप मुझे माफ कर सकते हैं? I'm sorry. It's okay. देखो कुबरा, तुम्हें कोई भी मुझसे बात कर रही हो तुम बिला झिझक कर सकती। ठीक है, और मैंने आपकी अम्मी से भी माफ़ी मांगनी है। इसकी ज़रूरत नहीं है, अम्मी को मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। तुम ये बताओ कैसी हैं भाभी, कैसा रहा उनके साथ बेला तुम? हाँ भाभी बहुत अच्छी हैं और दिन भी बहुत अच्छा गुजरा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है उनके साथ। अच्छा ये बताओ, वैसे ये अचानक उनको निकाह क्यों करना पड़ा? इफ्तिखार साहब, 15 करोड़ मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, मैं इतनी बड़ी रकम किस तरह मैनेज करूँगा? माफ कीजिएगा सर साहब, मैंने कभी किसी बिजनेस में छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं की है, और मेरा जो आपके साथ बिजनेस शुरू हो रहा है इसमें तकरीबन मेरे 22 करोड़ लग चुके हैं। तकरीबन मैं भी इतना ही लगा रहा हूँ, और आपकी इन्वेस्टमेंट तो कम है अभी। आई एम श्योर आप दोनों ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मेरे लिए 15 करोड़, आई एम सॉरी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। अरे मुश्किल कैसे असद साहब, जिसको आसान ना किया जा सके। जी बिल्कुल सही कह रहे, आप उस बारे में हम बाद में बात कर लें, फिलहाल इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लें जो हम इसी वीक लॉन्च कर रहे इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? क्या मतलब सोचने की क्या बात? पहले वो कह रहे थे कि 1 साल बाद रुख्सती करेंगे, और अब कह रहे हैं कि अगले हफ्ते। कौन से मुकरने वाले लोगों में मेरी बहन का रिश्ता तय कर दिया है? सरमत होश में तो हो तुम? होश में हूँ इसीलिए कह रहा हूँ, बस खत्म करें इस रिश्ते को, सीधा जवाब दे दूँ उनको।
दिमाग चल गया तुम्हारा बिल्कुल? कुछ सोच समझ के मेरी बात कर लिया करो, उसके सामने मिलते चले जा रहे हो। मैं तुम्हारी मम्मी आ चुकी उसकी, और कभी अपने फायदे से आगे भी सोच लिया करो। अपने फायदे से आगे निकल कर बात नहीं की मैंने, भूल गए? कल ही गया था दुकान पर आपके मसले हल करने के लिए। वो ना ही याद दिला तो अच्छा, जो तमाशा और करतब तुम करके आए हो ना, पता चल गया मुझे। क्या क्या मतलब, क्या किया इसने? बकवास कर रहा है वो। क्या झूठ बोलता है, क्या बकवास करता है, तुम्हें कुछ अंदाजा है क्या किया इसने? उस शरीफ आदमी को इसने कहा है कि मेरा ससुर बहुत बड़ा आदमी है, अगर उस बंदे ने दुकान बेचने की कोशिश की तो ये उससे कह के 2 से 3 साल का पक्का स्टे ले लेगा। हाँ, और तो और के जो किराया मिले उसमें से 10% इसको मिलना चाहिए, वरना सारी जिंदगी के लिए स्टे हो जाएगा। सुन लो इसकी बातें। बकवास कर रहा था वो। उस गैर शख्स के झूठ पर एतबार है आपको, अपने सगे बेटे पर नहीं है? सगी औलाद इस काबिल होती तो चाहिए क्या था? जब भी एतबार किया मैंने तुम पे, तुमने पैसे पहुंचाइए मुझे। हाँ तो फिर ले क्यों रहे मशवरा, जो दिल में आए करे फिर। जानती तो वो तो असद, जो कुछ भी है अपने इस पार्टनरशिप से पीछे नहीं हट सकते। सारी सिचुएशन तुम देख रहे हो ना? देख रहा हूँ। तो फिर क्या सोच रहे हो? अरे से क्या सोचना है, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? असद आशर तुम्हें कुछ ऑप्शंस दे रहा था ना, तो उन्हें क्यों कंसिडर नहीं करते? हाँ ठीक है, मगर क्या अगर मगर है सर? प्लीज इतना मत सोचो, फिर इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर मुझे अब वाकई अपने हालात बदलने हैं तो वो सिर्फ नरगिस आंटी हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं। जब तक वो बुड्ढा वापस नहीं आता मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे इस घर में और इनकी जायदाद में अपना हिस्सा चाहिए, तो इसका यह मतलब है कि मुझे नरगिस आंटी से बनाकर रखनी होगी। न मेरा बन सका है तू न मैं तेरा। अरे बोल भी दे, क्या बात है? तेरे लिए कैसी खबर लाया हूँ, तेरे होश उड़ जाएंगे। कौन सी खबर है, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहा है? बोल। वो तेरे ससुर है ना? हाँ। वो मुझे पता चला कल रात को मुल्क से बाहर गए। वो अकेले गए या बीवी के साथ? अकेले गए। तुझे कैसे पता? यार ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था, लेकिन मेरा जो कजन है ना उनके यहाँ ड्राइवर है, उसने मुझे बताया कि वो गए। और वो गए किस काम से? ये तो मुझे नहीं पता कब और किस काम से गए, लेकिन तेरा रास्ता जो क्लियर हो गया ना, किस बात की फिक्र है? यार क्या खास क्लियर हुआ? ससुर को पटाना था, वो तो यहाँ से चला गया। तो फिर भी अपनी बेटी की मोहब्बत में पिघल जाता, लेकिन उसके भाई है ना बिल्कुल पत्थर के। शादी से ना मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। यार तुम्हारे ससुर तो चले गए, लेकिन तुम्हारे दोनों साले किसी काम के नहीं रहे। वो जाते हुए सारा बिजनेस भाभी की जिस सौतेली माँ के हवाले करके गए हैं। क्या बोल रहे, नरगिस आंटी को? हाँ। तो मतलब है कि उन्हें की चिड़िया कोई और थी और मैं दाना किसी और को डालने के बारे में सोच रहा। बिल्कुल तुम गलत जगह दाना डालने थे। अब नरगिस आंटी वो बहुत काम की है, तेरे पास बहुत अच्छा मौका है, कल ही ऑफिस जा, अपने सब काम निकलवा ले। समझे, मेरी तो आधी टेंशन दूर हो गई। नजर रखना तुम उन पे,
कोई भी खबर होगी ना फौरन लाकर मुझे बता। हाँ, जैसी खबर मिलती तुम्हें बताता हूँ। अगर मुझे अब वाकई अपने हालात बदलने हैं तो वो सिर्फ नरगिस आंटी हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं। जब तक वो बुड्ढा वापस नहीं आता मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे इस घर में और इनकी जायदाद में अपना हिस्सा चाहिए, तो इसका ये मतलब है कि मुझे नरगिस आंटी से बनाकर रखनी होगी। अब मैं आ जाऊं? हाँ आओ। वो मैं पूछ रही थी कि असद साहब और जैद साहब आ गए? नो मैम, आज भी नहीं आया वो। अच्छा ठीक है, हाँ तुम जाओ, मैं फिर बुलाती हूँ। आज ना असद ऑफिस आया ना जुहेब, कहीं मेरे खिलाफ दोनों मिल तो नहीं गए? अगर कुछ दिन इसी तरह वो और ऑफिस नहीं आया तो यहाँ पता नहीं क्या बातें बनने लगेंगी। आ जाए। तो यहां क्या कर रहे हो? सरमद, तो ऐसे बगैर इतला के आए हो? सब खैरियत है? शांजी कैसी है? वैसे तो ठीक है, मगर मगर शांजी को मैं जब भी उदास देखता हूँ तो मैं खुद बहुत गिल्टी फील करता हूँ। काश हमने अंकल को नाराज किए बगैर शादी कर ली होती तो शायद शांजी आज
इतनी डिस्टर्ब ना होती। फोन तुम्हें शांजा ने भेजा है? नहीं नहीं, शांजे को तो ये मालूम भी नहीं है कि मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। खैर, जो जिस तरह से होना था वो हो गया। अब इसको बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, मैं भी शांजे को यही समझा रहा होता। फिर शांजे, उसके दिमाग में बस यही बात अटकी हुई है। तुम उनसे क्या चाहते हो? तुम मैं तुम्हारे और शांजे के लिए क्या कर सकती हूँ? शांजे तो पहले ही मुझसे खायफ रहती है। मेरा ख्याल है कि वो अब आपको ऐसा नहीं समझती है। जिस तरह से आपने मेरा और शांजे का साथ दिया, अंकल को कन्विंस किया कि ये शादी प्रॉपर तरीके से की जाए, आपकी नेकनीयत तो बिल्कुल वाज़ेह है। खैर, मैंने जो कुछ भी किया वो अपनी शौहर की इज्जत और भरम को कायम रखने के लिए किया। हाँ, तुम्हें कुछ और काम है, कुछ कहना है? अब क्योंकि मेरे पास काम काफी है। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं एक मिनट बाद फोन करती हूँ। आप प्लीज मुझे और शांजे को माफ कर दें। अंकल वकार की खातिर। क्या मतलब अम्मी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आप क्या कहना चाह रही हैं? ब्लैकमेल किया है तुम्हारे भाई ने उस दुकानदार के मालिक को। पहले पहले घबरा गया, परेशान हो गया, कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में जब तुम्हारे अब्बा को पता चला ना, वो उससे ज्यादा परेशान। मेरी तो समझ से बाहर है कि सरमद भाई को हो क्या जाता है। उनको इस बात का पता भी है कि अब्बू की रोजगार का मामला है, फिर भी ब्लैकमेल करने की जरूरत क्या पड़ गई? आप दोनों क्या बातें कर रहे थे? नहीं है, कुछ भी नहीं। ये तो अच्छा हुआ तुम कमरे से बाहर आ गई। कब तक कोई अपने कमरे में बैठा रहता है अकेला? भाभी, क्या मैं आपको भाभी कह सकती हूँ ना? हाँ, लेकिन सरमद ने किसको ब्लैकमेल किया है? अभी मैंने आप दोनों की बातें सुनी है। क्या छुपा रहे हैं आप दोनों मुझसे? और आप लोग ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ, खास तौर पे अगर कोई चीज़ सरमद से रिलेटेड है तो। हाँ आंटी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप मुझे बताएं। अम्मी, वो काशिफ स्कूल से आने वाला होगा, तो मैं किचन में जाके ना उसके खाने का बंदोबस्त करके आती हूँ, ठीक है ना? आंटी, आप कुछ छुपाना चाह रही हैं ना मुझसे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुमने सरमद से शादी की है तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को जाना होगा, परखा होगा, और मेरे से ज़्यादा तुम उसकी फितरत से वाकिफ हो। असल फितरत मतलब? ठीक है सरमद, तुम अब जा सकते हो। आपसे माफी मांगे बगैर तो नहीं जा सकता ना मैं किस आंटी? मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ सरमद, जो तुम्हें और शांजे को ठीक लगा तुम लोगों ने वो किया। अब इस पर बार बार माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत ही मेहरबान फितरत की मालिक हैं।
हालांकि शानजे ने जो आपके साथ किया, आप बदले में शानजे के साथ बहुत बुरा भी कर सकती थी, मगर आपने तो हमारा साथ दिया। शानजे की अगर सही माँ भी होती वो भी शायद इतना ना कर पाती। सौतेली माँ तो मेरी भी है, वो तो हमेशा इस कोशिश में लगी रहती हैं कि मुझे मेरे वालिद के सामने किसी तरह से उन्हें साबित कर दे। देखो अगर माजी तलख हो ना तो उसको बार बार याद करके हाल को तलख नहीं बनाना चाहिए। तुम एक नई जिंदगी शानजे के साथ शुरू कर चुके हो तो कोशिश करो कि ये जिंदगी खुशगवार हो। यही करना चाहता हूँ मैं भी, मगर कर ही नहीं पा रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब शानजे के लिए मैंने बहुत से ख्वाब देखे थे, जैसे हर मोहब्बत करने वाला देखता ही है। शानजे को मैं बहुत ही ज्यादा खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल तो सिचुएशन ऐसी है कि मैं शानजे की बुनियादी जरूरियात भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, खुद को इतना भी काबिल नहीं कर पा रहा। मैं समझी नहीं। देखिए मैं आपसे कोई फेवर या कोई हेल्प नहीं चाहता हूँ, मगर तो जो कहना चाहते हो साफ लफ्जों में कहो, तो ऐसी बात करके खुद भी उलझ रहे हो और मुझे भी उलझा रहे हो। क्या आपने हमारा इतना साथ दिया है तो बस एक मेहरबानी और कर दें। पैसे चाहिए तुम्हें? अरे नहीं नहीं पैसे बिल्कुल नहीं, मैं तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। एक्चुअली मेरे वालिद ने मुझे इतनी खुददारी और इतनी गैरत के साथ पाला है ना कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो कह भी नहीं पा रहा हूँ। देखो सरमद, तुम बिला झिझक मुझसे वो बात कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। दरअसल बात यह है कि 3-4 कंपनीज में मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। जब तक मेरी जॉब कहीं और नहीं लग जाती, क्या आप मुझे अपने ऑफिस में एडजस्ट कर सकती? मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा।